नरेंद्र मोदी की कविता को लता ने दी आवाज। पीएम बोले, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत। देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने पीएम नरेंद्र मोदी की कविता सौगंध मुझे इस मिट्टी की को अपनी आवाज दी है। उन्होंने गाने के वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। गाने के वीडियो में सबसे पहले लता की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है, नमस्कार, कुछ दिनों पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन रही थी। उन्होंने एक कविता की कुछ पंक्तियां कही थी जो मुझे वास्तव में हर भारतीय के मन की बात लगी, और वो पंक्तियां मेरे मन को भी छू गई। उसे मैंने रिकॉर्ड किया है और आज हमारे देश के वीर जवानों और देश की जनता को समर्पित करती हूँ। जय हिंद। इस वीडियो को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा, देश हृदय की गहराइयों से इस गीत के रूप में निकला आपका स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। बताते चलें कि पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक 5 अप्रैल को रिलीज हो रही है। इसमें विवेक ओबेरॉय ने पीएम नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया है। फिल्म का पहला गाना भी कविता सौगंध मुझे इस मिट्टी पर बनाया गया है। यह गाना 23 मार्च को रिलीज किया गया था। गौरतलब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद इस कविता की लाइन पढ़ी थी। वह राजस्थान के चुरू में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था, 2014 के मेरे उन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा।